हेलो नमस्कार, मेरा नाम है ऋतु रतेवाल और आप हैं अनअकैडमी स्टूडियोज प्लसीबो पे। इंडिया का नंबर वन चैनल है नीट और एम्स की प्रिपरेशन के लिए। इस चैनल पर हम आपको लाइव क्लासेस देते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, जो तीन सब्जेक्ट्स आपको अपनी नीट 2020 की तैयारी के लिए चाहिए। लाइव क्लासेस का फ़ायदा आपको यहाँ पर ये मिलेगा कि आप जैसे ही क्लास ज्वाइन करते हैं, आप अपने डाउट्स साथ साथ टीचर से बात कर सकते हैं। तो जो एडवांटेज आपको एक ऑफलाइन क्लास में मिलता है कि आप हैंड रेज करके टीचर से बात कर सकते हैं, वही एडवांटेज अब हम ऑनलाइन में आपको दे रहे हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। देयर इज़ नो चार्ज फॉर दीज वीडियोज़। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। मुझे अराउंड 9 साल हो गए हैं बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाते हुए। हज़ारों बच्चों को मैं हेल्प कर चुकी हूँ नीट क्रैक करने में। सो आई हैव अ बेसिक आइडिया कि नीट में कैसा क्वेश्चन आता है। मैं यहाँ पर हर रोज़ 2 घंटे लाइव क्लास लूँगी, तो मेरे एक्सपीरियंस का आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं ये 2 घंटे की क्लास अटेंड करके। क्लासेस होंगी सुबह 11 से 12 और शाम को 4 से 5। इनमें आपको करना क्या है, ये क्लासेस अटेंड करनी है और कॉन्सेंट्रेशन से सुनना है। यदि आप कॉन्सेंट्रेशन से सुनेंगे तो एक एक बात आपके दिमाग में घुसेगी और मैं आपको सिर्फ उतनी ही बात पढ़ाऊंगी जितना कि नीट में या एम्स में या जिपमर में या आपके स्कूल एग्जाम्स में आएगा। सो एक एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी। ये सारी बातें जो मैंने इकट्ठा की हैं बेटा, ये ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ इकट्ठा किए हैं। एंड आई थिंक जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी, एवरीथिंग इन दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर नीट। सो यू नीड टू लिसन केयरफुली, यू नीड टू मेक नोट्स केयरफुली इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर नीट 2020 प्रिपरेशन। तो हम लोग तैयारी शुरू करते हैं। चलिए, एक बात ये है। दूसरी बात ये है, अगर आप मुझसे पूरा कोर्स पढ़ना चाहें तो आप इसका अनअकैडमी का लाइव प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। लाइव प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे बहुत सारा आपको फ्री कंटेंट भी मिलेगा, तो अगर आप फ्री कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, फ्री लेसन से पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे बहुत होनहार टीचर्स ने अपना कंटेंट डाला हुआ है, आप फ्री कंटेंट भी पढ़ सकते हैं। यदि आप प्लस कोर्स लेना चाहते हैं, मतलब कि आप मुझसे और बाकी जो प्लस के एजुकेटर्स हैं, जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, उनसे अगर आप अपना कोर्स पूरा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से प्लस के ऑप्शन पर जाइए। प्लस के ऑप्शन जाने के बाद नीट के ऑप्शन पे आइए। नीट के ऑप्शन पे आने के बाद वो आपको पेमेंट ऑप्शन शो करेगा। पेमेंट ऑप्शंस आपके पास 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का ऑप्शन होगा, बट ये ऊपर वाले ऑप्शंस आपके लिए इतने यूजफुल नहीं है, क्योंकि आपको एक लंबी तैयारी करनी है, आपको कम से कम 1 साल की तैयारी करनी है ना। और ये वाले प्लान्स थोड़े महंगे भी पड़ेंगे आपको, मतलब ऑफलाइन से तो बहुत ही सस्ते हैं। जैसे कि अगर आप 1 मंथ का प्लान भी लेंगे तो आपको तीनों सब्जेक्ट का 5,000 रुपया पड़ेगा। ऑफलाइन में 5,000 रुपये में, 3,000 रुपये में आपको कोई एक सब्जेक्ट का कोचिंग मिलता है। तो यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट्स की कोचिंग प्लस टेस्ट सीरीज। पर इससे भी सस्ता प्लान है, इनके कंपेरिजन में ये ज़्यादा सस्ता प्लान है। ये आपको 2,000 रुपये में, पूरे महीने के सिर्फ 2,000 रुपये में उम्दा क्वालिटी की कोचिंग मिलेगी बेटा, तीनों सब्जेक्ट्स की, अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज एंड डाउट सेशंस। सो आपका ईयरली खर्चा आ जाएगा 25,000 रुपया। पर आपको 25,000 रुपया भी नहीं पे करना है, आपके लिए एक और डिस्काउंट है। यदि आप ये कोड यूज करते हैं, ऋतु लाइव कोड यूज करते ही आपको इस पर भी 10% का ऑफ हो जाएगा। आपको पूरा का पूरा कोर्स 22,500 में मिलेगा। सो 22,500 में पूरे साल की कोचिंग, 20 से ज़्यादा टीचर्स हमारे पास पढ़ा रहे हैं और हमने हर जगह से बेस्ट टीचर्स को पिक किया है, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो देश के अन्य रीजन हो। आपको इंग्लिश में भी पढ़ाया जाएगा, हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा, जिस भी लैंग्वेज के साथ आप कंफर्टेबल हो। सो ये सब्सक्रिप्शन लेते ही इट्स लाइक अ की टू द बिग वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आप बहुत ही सॉलिड तैयारी कर सकते हैं नीट 2020 के लिए, यदि आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं,
जितना हो सकेगा मैं YouTube पे आपका सिलेबस कवर कराऊंगी, और आप ये और बाकी टीचर्स को फॉलो करके अपना सिलेबस यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ठीक है, इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बेटा, इसको जितना हो सके फैलाइए। आज का कोर्स शुरू करते हैं, एक मिनट बेटा। हाँ जी, हेलो एवरीवन, किशन अहूजा, सनम, प्रतिभा पांडे, पीयूष अहूजा, डॉक्टर ईविल, अच्छा, कोमल महेश्वरी, तेजश्री, इप्सिता, हेलो एवरीबॉडी। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे चैप्टर की एंडिंग होने वाली है, ऑलमोस्ट हम लास्ट पार्ट पे पहुंच गए। बहुत ही इजी टॉपिक्स बचे हैं, बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, परंतु नीट में कब कौन से इजी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए हमें पता नहीं चलता, तो हम इजी टॉपिक्स को सीरियसली नहीं लेते हैं और एकदम से क्वेश्चन आ जाता है और हमारी बैंड बज जाती है कि ये क्या हो गया। तो इनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये धोखा दे सकते हैं। ये हमारी किडनी है, इनमें हमने सूसु बनाना सीख लिया है। अब उस यूरिन को नीचे लाने के लिए, बॉडी से रिमूव करने के लिए यहां पे दो ट्यूब्स होंगी। जिन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं? यूरेटर। किडनी से निकलने वाले ट्यूब्स को यूरेटर कहते हैं। अब यूरिन यहां पे कॉन्टिन्यूसली बन रहा है, यूरिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली बन रहा है, बट आप यूरिन कॉन्टिन्यूसली तो पास नहीं कर रहे हो, सारा दिन वॉशरूम में तो नहीं बैठे रहते। तो यहाँ से जो यूरिन बन रहा है उसको एक कंटेनर में भरेगी बॉडी, ठीक है, फिर उस कंटेनर में स्टोर करके रिमूव करेगी जब ज़्यादा भर जाएगा कंटेनर। उस कंटेनर को हमने क्या कहा है? यहाँ पे एक कंटेनर है जो कि यूरिन को स्टोर कर रहा है, इसको कहा गया है यूरिनरी ब्लैडर। हालांकि ये बातें आपको पता है, फिर भी मैं एक बार रिवीजन के लिए बता रही हूं। जब ये कंटेनर भर जाए, 300-400 ml यूरिन भर जाए इसमें, 300-400 ml जब इसमें यूरिन भर जाए, तो यूरिन यहां से पास आउट हो जाता है, इस ट्यूब से पास आउट हो जाता है, जिसे यूरिथ्रा कहते हैं। ये सब बातें आपको ऑलरेडी पता हैं। मैं बताना क्या चाहती हूं, पहली बात, यूरिन पास करना बॉडी से बाहर, यूरिन पास करना, मान लो सपोज ये इंसान यहां पे, दिस इज वन लेग ऑफ दिस पर्सन, दिस इज अनदर लेग ऑफ दिस पर्सन। नाउ बॉडी से बाहर यूरिन पास करने को एक टर्म दिया जाता है, मिक्चुरेशन। पहली बात तो मिक्चुरेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल, वेरी सिंपल, एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिस प्रक्रिया से हम यूरिन को बाहर बॉडी से निकालते हैं उसे मिक्चुरेशन कहते हैं, सिंपल बात है। अब मिक्चुरेशन होती कैसे है, थोड़ा सा उसका मैकेनिज्म जान लेते हैं, बहुत ही ईजी है। यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसके अंदर मसल्स भरी हुई हैं। लाओ यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स बना लेती हूं, दीज आर दी मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में स्मूथ मसल्स होंगी या स्ट्राइएटेड मसल्स होंगी, तुम बताओ, तुम अपनी मर्जी से यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। आज तो बहुत मन कर रहा है यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट यूरिनरी ब्लैडर। तो
स्मूथ मसल्स होंगी। जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर 30 सेकेंड्स, देर इज सम डिस्टर्बेंस, आई नीड टू स्टॉप इट। एक्सक्यूज मी सर, यस यस, डन। ऑफकोर्स यहाँ पे स्मूथ मसल्स होंगी, आप यूरिनरी ब्लैडर को अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इन स्मूथ मसल्स का एक स्पेशल नाम है, इनको कहते हैं डेट रूजर मसल। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर में स्मूथ मसल्स हैं, मतलब हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको डेट रूजर मसल कहते हैं। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। अब देखो, यूरिथ्रा के ऊपर स्फिंक्टर होता है, एक इंटरनल स्फिंक्टर और दूसरा एक्सटर्नल स्फिंक्टर। देखो, अपने आप यूरिन ना पास हो जाए इसलिए स्फिंक्टर चाहिए। स्फिंक्टर क्या है, मतलब बंद करने वाला पोर्शन को स्फिंक्टर कहते हैं, जो कि यूरिन को नीचे नहीं जाने दे रहा, वो स्फिंक्टर है। तो यूरिथ्रा पर एक नहीं दो स्फिंक्टर्स होते हैं, ठीक है, दो स्फिंक्टर्स होते हैं। पहला स्फिंक्टर जो होता है, जो पहला स्फिंक्टर होता है वो स्मूथ मसल का बनना होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर। कौन सी मसल का बना होता है, स्मूथ मसल का, मतलब इसको मैं खुद नहीं कंट्रोल कर सकती। पर थैंक गॉड हमारे पास एक और स्फिंक्टर है बाहर वाला, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जो कि थैंक गॉड स्ट्राइएटेड मसल्स का बना हुआ है, स्केलेटल मसल्स का बना हुआ है, आई कैन कंट्रोल दैट सेकेंड स्फिंक्टर, स्केलेटल मसल का बना हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं एक्ट ऑफ मिक्चुरेशन क्या है। इतनी बात क्लियर है, मिक्चुरेशन का प्रोसेस समझा दूं बेटा जी। हां जी, थैंक यू प्रवीण कुमार। चलो आगे शुरू करें। देखो, इसको क्लिक कर लिया। अब देखो, जब यूरिन इसमें भरने लगता है, पहले बेचारा यूरिनरी ब्लैडर ऐसे पिचका होता है, अब उसके अंदर यूरिन भरने लगा तो ये मोटा होने लगा, स्वेल होने लगा, तो इसके अंदर कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, इसकी वॉल में कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जिनको हम कहते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। जब इसके अंदर यूरिन भरने लगता है तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। क्यों भैया, यूरिनरी ब्लैडर ऐसे था, अब वो खींच रहा है, उसके अंदर यूरिन भर रहा है, वो खींच रहा है, तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स तो एक्टिवेट होंगे ही ना, क्योंकि उनके ऊपर स्ट्रेच आ रहा है ना, अब खींच रहे हैं ना वो, तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स यहां से एक्टिवेट हो जाएंगे। इनकी एक्टिवेशन यहां से सेंसरी न्यूरॉन कुछ इंफॉर्मेशन ले जाएगा। न्यूरॉन समझते हो बेटा तुम, सेंसरी न्यूरॉन सेंस करके ले जाएगा कि भैया यहां से देखो ये स्ट्रेच हो रहे हैं। हमेशा सेंसरी न्यूरॉन ही सेंस करके लेके जाता है इंफॉर्मेशन, तो सेंसरी न्यूरॉन यहां से इंफॉर्मेशन ले जाएगा कहां तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ये तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये रहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, CNS लिख दूं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन जाती है कि भैया यूरिन भर चुका है, यूरिनरी ब्लैडर मोटा हो चुका है फूलकर,
ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन जाती है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन के पास। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एनालाइज करते हैं, अच्छा आप क्या करें क्या करें, तो उनको समझ में आता है भैया ये यूरिन तो पास करना पड़ेगा, मिक्चुरेशन करानी पड़ेगी। तो ब्रेन यहाँ से सिग्नल भेजता है एक और न्यूरॉन से, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से सिग्नल भेजता है एक और न्यूरॉन से जिसे मोटर न्यूरॉन कहेंगे। जो कमांड लेकर आए उसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं, जो इंफॉर्मेशन लेकर जाए उसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन कमांड लेके जाएगा और इन मसल्स को, डेट्रूसर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा ताकि सूसू नीचे जा सके। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूसर मसल लिख दूं यहां पे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूसर मसल, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यूरिन नीचे निकलने की कोशिश करेगा, लो यूरिन यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, लेकिन निकल नहीं पा रहा क्योंकि स्फिंक्टर बंद है अभी। तो सिर्फ यहां से पिचकाने से कुछ नहीं होगा, नीचे वाले स्फिंक्टर को भी खोलना पड़ेगा। अब नीचे वाले स्फिंक्टर को खोलने के लिए भी ब्रेन मैसेज भेजेगा, कहेगा यार ये भी खोलो। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड मैसेज भेजेंगे इन स्फिंक्टर्स को ओपन करने के लिए। रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर, तो ये ऊपर वाला जो अंदर वाला स्फिंक्टर है ना, ये रिलैक्स हो जाएगा, इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा। अब कैसे फील होता है हमें, वी फील द अर्ज टू यूरिनेट, फिर हम ढूंढते हैं वॉशरूम। थैंक गॉड ये अपने आप रिलैक्स होकर वॉशरूम, वी डू नॉट स्टार्ट टू यूरिनेट, देयर इज सम कंट्रोल, है ना। हमें एकदम से यूरिन की फीलिंग आती है तो हम ऐसा नहीं होता ना जहां बैठे हैं वहीं पे, हम वॉशरूम ढूंढते हैं ना। सो हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वो स्केलेटल मसल का बना हुआ है, स्केलेटल मसल के बनने की वजह से वो हमारे कंट्रोल में है। तो हम पहले वॉशरूम ढूंढेंगे, देन वी रिलैक्स दिस एक्सटर्नल स्फिंक्टर एंड देन मिक्चुरेशन हैपन्स। समझ में आ गया प्रोसेस, एक बार रिकैप कर लेती हूँ मैं, एक बार इसकी फोटो बना लो फिर रिकैप करती हूँ। चलो, हेलो माँ निशा, गुड इवनिंग बेटा। हाँ जी, यस प्रवीण बिल्कुल सही कह रहा है, इंटरनल स्फिंक्टर इनवॉलेंट्री होता है क्योंकि इंटरनल स्फिंक्टर स्मूथ मसल का बना हुआ है, इसलिए मैं इंटरनल स्फिंक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकती, इंटरनल स्फिंक्टर इज इनवॉलेंट्री। बिल्कुल सही कह रहा है ये लड़का। और एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्योंकि स्केलेटल मसल का बना हुआ है, ये वॉलेंट्री है, मैं अपनी मर्जी से इसको ओपन कर सकती हूं। वी कैन ओपन और क्लोज इट विद अवर विल। जो इंटरनल स्फिंक्टर है उसको हम अपनी मर्जी से ओपन नहीं कर सकते, वो ब्रेन अपने आप या स्पाइनल कॉर्ड अपने आप ही ओपन कर देता है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। कैन आई, एक बच्चा पूछ रहा है मैम इफ वी कंट्रोल टू मच ऑफ यूरिन क्या यूरिनरी ब्लैडर ब्रास्ट कर सकता है। देखो, आपका ब्रेन यूरिनेशन को थोड़े समय तक कंट्रोल कर सकता है, सपोज यू आर इन अ बस एंड बस में तो वॉशरूम होता नहीं, सो एट दैट टाइम योर ब्रेन कैन कंट्रोल द रिलीज ऑफ यूरिन, बट योर ब्रेन कैन नॉट कंट्रोल द रिलीज ऑफ यूरिन फॉर एन इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम। ये नहीं कि आप कंट्रोल करते ही रहोगे और आपका ब्रेन कंट्रोल कर लेगा और हो जाएगा, एक समय के बाद आप चाहो या नहीं चाहो मिक्चुरेशन होकर रहेगी। तो ऐसी एक्सपेरिमेंट ना ही करना डॉक्टर ईविल बेटा, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। रिकैप कर लूँ मैंने क्या बोला है, बहुत ही सिंपल बातें बोली है मैंने। मैंने ये कहा है कि मेरा यूरिनरी ब्लैडर स्मूथ मसल का बना हुआ है, उस स्मूथ मसल को डेट्रूसर मसल कहते हैं। मेरे स्फिंक्टर पे, सॉरी यूरेथ्रा पे दो स्फिंक्टर हैं, ठीक है, अंदर वाला स्फिंक्टर इनवॉलेंट्री मसल का बना हुआ है, स्मूथ मसल का बना हुआ है, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वो वॉलेंट्री मसल का बना हुआ है। अब जब इसमें यूरिन भरा तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए जो कि इसकी वॉल में लगे हुए थे।
स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते ही सिग्नल गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। एक्चुअली मैं अगर तुम्हें रियलिटी बताऊं तो ये सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड को जाता है, ब्रेन को नहीं जाता, स्पाइनल कॉर्ड से ही रिफ्लेक्स होके आ जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन है बेसिकली मिक्चुरेशन। बट तुम्हारी एनसीईआरटी ये नहीं बता रही, सिंपल कह रही है सीएनएस पे जा रहा है, तो तुम यही याद रखो सीएनएस पे जा रहा है। यहां से ब्रेन ने इसने स्पाइनल कॉर्ड ने एनालाइज किया कि अच्छा क्या है, अच्छा यूरिनरी ब्लैडर भर गया है, तो उसने मोटर दो सिग्नल्स दिए, पहला यूरिनरी ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन का, यूरिनरी ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन का और स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन का। यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्फिंक्टर रिलैक्स हो गया, मिक्चुरेशन हो गई, वेरी सिंपल। वेरी वेरी सिंपल, आगे चले, पहला पार्ट खत्म आज की क्लास का, अगली पार्ट में चलो। किडनी फेलियर क्या है, व्हाट इज किडनी फेलियर, व्हेन किडनी इज नॉट एबल टू रिमूव यूरिया एंड अदर वेस्ट्स इफेक्टिवली फ्रॉम ब्लड। किसी भी रीजन से जब आपकी किडनी अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाए, किडनी का काम क्या है, ब्लड में से यूरिया निकालना, ब्लड में से और वेस्ट निकाल लेना, ब्लड में से आयंस निकाल लेना, उनका सूसू बना देना और रिमूव कर देना। जब किडनी अपना काम सही से नहीं कर पाएगी तो मतलब किडनी अपने काम में फेल हो गई, इसी को ही रीनल किडनी फेलियर या फिर रीनल फेलियर कहते हैं। सिंपल बात है, क्लिक कर लिया ये वाला बात, सिंपली किडनी अपने काम में फेल हो गई है, यूरिया नहीं रिमूव कर पा रही, ब्लड में से आयंस नहीं रिमूव कर पा रही, ब्लड में से और वेस्ट मटेरियल नहीं रिमूव कर पा रही। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, यदि किडनी फेल हो गई, ठीक है, अब किडनी फेलियर के रीजन क्या है, बहुत कुछ हो सकता है, इंजरी हो सकती है, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, किडनी पे चोट लग गई, किडनी फेल हो गई, या कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, किडनी ने काम करना बंद कर दिया, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो या तो आपकी किडनी धीरे धीरे रिकवर करेगी, धीरे धीरे ठीक होएगी, या आपकी किडनी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, फिर ठीक नहीं होएगी। अगर आपकी किडनी फिर से ठीक नहीं होएगी, डॉक्टर्स को लगता है कोई चांस नहीं है ठीक होने का, तो आप दूसरे बंदे की किडनी अपनी बॉडी में लगवा सकते हो, इसे किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट क्या है, टू ट्रांसप्लांट अ फॉरेन किडनी, फॉरेन किडनी का ये नहीं मतलब फॉरेनर की किडनी, फॉरेन का किडनी का मतलब है हमारी बॉडी की किडनी नहीं है, किसी और की किडनी है, ये नहीं मैडम ने लिखवाया था फॉरेन किडनी, मैं तो अमेरिका की बंदी की किडनी लूंगा या यूरोप की बंदी की किडनी लूंगा या बंदे की किडनी लूंगा। फॉरेन किडनी सिंपली मीन्स विच डज नॉट बिलोंग टू मी, टू ट्रांसप्लांट अ फॉरेन किडनी इन द बॉडी। पर इतना आसान नहीं है, मंडी में तो नहीं मिलती किडनियां कि तुम बाजार में गए और तुमने कहा भैया एक किडनी दे दो, अच्छा मैडम चलो 200 रुपए की है और तुमने लेके आ गए, इट इज नॉट लाइक दैट। किडनी ट्रांसप्लांट इज अ वेरी हेक्टिक प्रोसीजर, आप पहली बात तो हर किसी से किडनी ले नहीं सकते, हमेशा सबसे पहली चॉइसेस होते हैं आपके भाई बहन और आपके मदर फादर, क्योंकि उनका और आपका डीएनए मैच करता है, तो जिनसे डीएनए मैच करता है आप उन्हीं की किडनी ले सकते हो। इसका रीजन फिर कभी बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी। सो ऑर्गन्स आर जनरली डोनेटेड बाय सिबलिंग्स, भाई बहन, पेरेंट्स और क्लोज रिलेटिव्स। तो
तो मान लो इफ सपोज आई नीड अ किडनी, इट इज नॉट लाइक आई विल आस्क सलमान खान टू गिव मी अ किडनी, प्लीज भाई किडनी दे दे यार, तू तो बहुत ही दिलदार आदमी है, इतने लोगों को रोल देता है, मुझे किडनी दे दे. इट इज नॉट पॉसिबल. पहली बात तो देगा नहीं, दूसरी बात वो मुझे फिट भी नहीं आएगी. आई नीड अ किडनी ऑफ माई, जिनसे मेरा डीएनए मिलता हो. मेरा डीएनए किन से मिलता है? मेरे भाई से मेरा डीएनए मिलता है, मेरे मम्मी पापा से मेरा डीएनए मिलता है. बिकॉज अगर आप बहुत दूर के डीएनए वाली किडनी लोगे तो आपकी बॉडी उसे फौरन समझ के, फौरन सेल समझ के अटैक कर देगी और उस किडनी को मार देगी. ओके, दिस इज कॉल्ड ग्राफ्ट रिजेक्शन. व्हाट इज ग्राफ्ट रिजेक्शन? रिजेक्शन ऑफ अ फॉरेन ऑर्गन बाय बॉडीज इम्यून सिस्टम. भैया मेरा इम्यून सिस्टम नहीं किडनी को एक्सेप्ट करेगा सलमान खान की, क्या करूं मैं? इसको ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं. और सुनो, ये जरूरी नहीं है कि मेरा अगर भाई मुझे किडनी देगा तो मेरी बॉडी रिजेक्ट नहीं करेगी, मेरी बॉडी उसको भी रिजेक्ट करेगी. ग्राफ्ट रिजेक्शन उसमें भी होगा, बट देन द रिजेक्शन विल बी लेस. जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा धीरे रिजेक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा जोर से रिलैक्स रिजेक्ट नहीं करेगा. आई कैन टेक सम मेडिसन्स टू ओवरकम दैट रिजेक्शन. अगर मेरा भाई मुझे किडनी देगा तो मैं कुछ मेडिसन्स खा के उस किडनी को बचा सकती हूँ, अपने इम्यून सिस्टम से बचा सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल एक मेडिसिन बता रही हूँ, साइक्लोस्पोरिन. इट इज अ इम्यूनोसप्रेसेंट. थोड़ा थोड़ा मेरा और उसका जेनेटिक मेकअप मिलता है तो उसकी किडनी को मेरा इम्यून सिस्टम आएगा तो सही अटैक करने पर, मैं मेडिसिन खा लूंगी ये वाली साइक्लोस्पोरिन और उसकी किडनी बच जाएगी तो मेरे पास किडनी काम करने लायक हो जाएगी. पर यदि मैं सलमान खान की किडनी लूंगी तो मैं साइक्लोस्पोरिन खा के भी बहुत मुश्किल बच पाएगी किडनी, क्योंकि सलमान खान का और मेरा जेनेटिक मेकअप तो बहुत ज्यादा अलग है ना, समझ रहे हो? सो प्रेफर्ड रिलेटिव्स की किडनी भी आप तभी ले सकते हो जब आप मेडिसिंस खाओ. पूरी जिंदगी आपको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स खानी पड़ती हैं. किडनी ट्रांसप्लांट इज अ वेरी कॉस्टली ऑप्शन एंड देन देर आर चांसेस ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन. तो जब तक आपको किडनी नहीं मिलती, सपोज किसी का किडनी फेलियर हो गया, तुम्हारा नहीं बेटा किसी का, ठीक है, दुश्मनों को लगे ऐसी बीमारियां, किसी का किडनी फेलियर हो गया, अब उस बंदे को किडनी चाहिए, बट जब तक उसको किडनी नहीं मिल रही तब तक क्या उसकी बॉडी में यूरिया बढ़ता रहेगा, उसकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल बढ़ता रहेगा, वो तो मर जाएगा. तो ऐसी सिचुएशन में आप एक काम करते हो जिसे डायलिसिस कहते हैं. डायलिसिस, जब तक आपको किडनी नहीं मिल जाती कहीं से बाहर से, तब तक आपके ब्लड को यूरिया और टॉक्सिक वेस्ट रिमूव करने का तरीका है डायलिसिस. ये लिख लिया था, आगे चलूं? क्या हुआ साउंड को? अरे प्रिंस राय, नेपाल से हो तुम बेटा? हाँ जी हाँ जी, एलिना सही कह रहे हो. एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर स्ट्रेच रिसेप्टर्स रिमूव कर दिए जाएं तो क्या होगा? अगर स्ट्रेच रिसेप्टर्स रिमूव कर दिए जाएं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कभी पता नहीं चलेगा कि यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है. तो उसके बाद क्या होना चाहिए, पढ़ के बताऊंगी, ठीक है? या तो अपने आप यूरिनेशन होना शुरू हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट विल हैपन. बट आई हैव नॉट रेड दिस केस कि अगर स्ट्रेच रिसेप्टर्स रिमूव कर दिए जाएं तो क्या होगा. आई विल रीड इट और मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगी, या कमेंट्स में लिखना तो मैं कमेंट्स में जवाब दे दूंगी, ठीक है? चलो आगे चलते हैं. डायलिसिस क्या है? डायलिसिस इज आर्टिफिशियली बिना किडनी के ही आप ब्लड में से यूरिया और दूसरी वेस्ट मटीरियल्स को रिमूव कर दो.
सो अगर डायलिसिस की डेफिनेशन कह सकते हैं हम, रिमूवल ऑफ यूरिया एंड मटेरियल आर्टिफिशियली विदाउट द हेल्प ऑफ किडनी, या इन केस ऑफ किडनी फेलियर, या कुछ भी विदाउट द हेल्प। अरे बच्चों, बहुत कोशिश करती हूँ राइटिंग इम्प्रूव करने की, फिर भी गंदा ही लिख देती हूँ, बट कोई बात नहीं, तुम समझ रहे हो ना मैंने क्या लिखा है। आर्टिफिशियली जब तुम रिमूव करना चाहोगे यूरिया और वेस्ट मटेरियल को, मान लो जरूरी नहीं कि किडनी फेलियर के टाइम ही हो, मान लो किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया मेरी, ठीक है, और अभी डॉक्टर कह रहा है कि थोड़े टाइम बाद आपकी किडनी ठीक हो जाएगी, लेकिन जब तक किडनी नहीं ठीक होती तब तक तो डायलिसिस करना पड़ेगा। या दूसरा केस है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किडनी पूरी फट गई, खराब हो गई, उस केस में भी डायलिसिस करना पड़ेगा जब तक नई किडनी नहीं मिल जाती। सो बेसिकली किडनी को कुछ भी डैमेज हुआ या खराब हुआ या परमानेंटली खराब हो गई है, डायलिसिस विल हेल्प यू रिमूव यूरिया एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड। डायलिसिस दो प्रकार का होता है, तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी में एक ही प्रकार का दिया होता है। डायलिसिस होता है, एक को कहते हैं पेरिटोनियल, एनसीईआरटी में हम इसे नहीं पढ़ेंगे। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है नाम से पता चल रहा है हीमोडायलिसिस, मतलब कि ब्लड से रिलेटेड है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, बंदा है बहुत परेशान है, यूरिया भर गया उसकी बॉडी में, मदनलाल की बॉडी में यूरिया भर गया है, तो ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल देंगे, ब्लड को, तभी तो इसका नाम हीमोडायलिसिस है, ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल के एक मशीन में लेके जाएंगे जहां में ब्लड से सारे यूरिया और वेस्ट मटेरियल निकाल देंगे, ब्लड को साफ कर देंगे, ठीक है। ये डायलाइजिंग मशीन है, और फिर इस ब्लड को बॉडी में वापस, ब्लड इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी, पूरा ब्लड ही बॉडी से निकाल दो, इसमें कॉन्टिन्यूसली ब्लड में से यूरिया वगैरह रिमूव कर दो और फिर ब्लड को वापस डाल दो बॉडी में, इसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। अब इसका एग्जैक्ट प्रोसीजर देखते हैं, हीमोडायलिसिस का क्या है। यूज ऑफ डायलिसिस तुमको पता चल गया, वही इन एब्सेंस ऑफ किडनी फंक्शन टू रिमूव यूरिया, यूज पता है तुम लोगों को। आओ इसका प्रोसेस देखते हैं। चले बच्चों, इतना समझ में आ गया, साउंड का क्या दिक्कत है बेटा, साउंड में क्या हो रहा है? अरे अरे अरे, साउंड नहीं आ रही है। अगर किडनी फेल होती है, प्रिंस राय पूछ रहा है कि एड्रिनल ग्लैंड भी फेल हो जाता है क्या? एड्रिनल ग्लैंड और किडनी का फेलियर इकट्ठे नहीं होगा। अगर मान लो एक्सीडेंट ही हो गया, किडनी चकनाचूर हो गई, तो उसके साथ ऊपर डैमेज होने के चांसेस हैं। पर मान लो किडनी में इन्फेक्शन है तो एड्रिनल ग्लैंड में नहीं होगा बेटा। वॉइस इज नॉट क्लियर। अरे 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 अरे, वेट, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। ओके, इप्सिता पूछ रही है, मान लो एक किडनी ठीक है और एक किडनी खराब हो गई तो क्या होगा? बच्चों, यदि एक किडनी खराब हो जाती है तो दूसरी किडनी, दोनों किडनीज का काम कर सकती हैं।
यदि आपकी बॉडी में एक भी अच्छी किडनी है तो आपको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट की सिर्फ जरूरत तब पड़ेगी जब आपको दोनों किडनीज आपकी खराब हो जाएंगी। तभी तो आपने ये केस सुना होगा, बेटा बीमार था, बेटे की दोनों किडनियां फेल हो गई तो माँ ने अपनी किडनी दे दी। अब भैया माँ ने अपनी किडनी दे दी तो माँ के पास तो एक ही किडनी बची ना, तो माँ भी तो एक किडनी के साथ सर्वाइव कर रही है और अब बेटा भी एक किडनी के साथ सर्वाइव करेगा। सो वन किडनी इज इनफ फॉर यू टू सर्वाइव। ओके, नाउ लेट्स सी द प्रोसेस। आई होप द वॉइस इज क्लियर नाउ। अभी भी साउंड प्रॉब्लम है बच्चों? अब तो बाल भी बांध लिए मैंने। आई होप नाउ इट्स ऑल राइट। कैन वी स्टार्ट विद डायलिसिस? छोटा सा प्रोसेस है, चलो शुरू करते हैं। दिस इज मदनलाल हु हैज कम फ्रॉम फॉर डायलिसिस। मदनलाल इज वेरी स्केर्ड कि उसके साथ क्या होने वाला है डायलिसिस में, तो बेचारा थोड़ा परेशान है। ये मदनलाल की मस्कुलर बाजू है, ये खुद मदनलाल है। मदनलाल बॉडी बिल्डर है, ठीक है। मदनलाल की आर्टरी में से ब्लड ले लो, यहां से नीडल लगा के मदनलाल की आर्टरी में से ब्लड ले लो और यहाँ पे एक ट्यूब में ले जाओ। ये ट्यूब है, मान लो ट्यूब किस कलर की बनाऊँ? ब्लू कलर की ट्यूब बनाती हूँ। आर्टरी में से ब्लड क्यों लेते हैं? देखो जनरली हम वेन में से ब्लड लेते हैं क्योंकि वेन बाहर होती है, इजिली पकड़ी जाती है, तो वेन में से ब्लड लेते हैं। लेकिन इस वक्त हमें ब्लड बहुत प्रेशर से चाहिए, हमें बहुत सारा ब्लड निकालना है बहुत प्रेशर से, तो वी चूज फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी। तो मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, ये एक आर्टरी बना देती हूँ। यहाँ पे आर्टरी में से ब्लड ले लिया तुमने, पहला स्टेप यही है, दिस इज एन आर्टरी। स्टेप वन कहाँ लिखूँ? यहीं लिख दूँ? टेक ब्लड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी। कौन सी ट्यूब में? ये ट्यूब किस पेपर से, किस चीज से बनी हुई है? सेलोफेन की ट्यूब है। देखो बेटा ये एनसीईआरटी की बातें, तो क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुन लो। इन अ सेलोफेन ट्यूब, जो तुम्हारे मार्केट में सेलोफेन ट्यूब मिलती है ना, टेप मिलती है, उससे याद कर लो कि उस टेप से बनी हुई ट्यूब है, ठीक है। लिख दो इसको, दिस इज अ सेलोफेन ट्यूब। पेन नहीं, सेलोफेन। ब्लड तुमने ले लिया, अब ये ब्लड में यूरिया भरा हुआ है। अच्छा कितनी बार डायलिसिस होता है तुम लोगों को पता है? एक बंदे का, मान लो किसी बंदे की किडनी पूरी खराब हो गई है, ठीक है, बिल्कुल किडनी काम नहीं कर रही, तो ऐसे बंदे को हफ्ते में 3 बार तक डायलिसिस कराने जाना पड़ता है। और हर जब भी, जैसे हफ्ते में 3 दिन गया, हर रोज कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि भैया किडनी तो 24/7 काम कर रही थी ना, तुम किडनीज का थैंक यू तो कभी करते नहीं हो। अब उन किडनीज का काम ऑल्टरनेट डेज पे होगा, 3 दिन जाएंगे हम और 3 से 4 घंटे तक डायलिसिस मशीन के साथ चिपके रहेंगे, ठीक है। ब्लड यहाँ से निकल गया, अब ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब है अब एक चेम्बर में चली गई बेटा, एक चेम्बर में चली गई और इस चेम्बर में भरा हुआ है फ्लूइड। अब इस फ्लूइड के बारे में खास बात, फ्लूइड को कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। लिख दूं, डायलाइजिंग फ्लूइड। इस फ्लूइड की खास बात क्या है? इट हैज द एग्जैक्ट सेम कॉन्सेंट्रेशन एज द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। जो प्लाज्मा होता है ना ब्लड का, बिल्कुल सेम कॉन्सेंट्रेशन होती है इसमें चीजों की, आयन्स हो गए, वाटर, मतलब एक हेल्दी बंदे का जो प्लाज्मा, एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन एज
हेल्दी ब्लड प्लाज्मा। बस आज का आखिरी टॉपिक है बेटा, ये यही लिख दूं, प्लाज्मा। समझ रहे हो मैं क्या लिख रही हूँ? अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मैं अभी बता देती हूँ तुम्हें, फिर पूरा डायग्राम बनवाऊंगी। कॉन्सेप्ट ये है कि तुम बिल्कुल हेल्दी ब्लड प्लाज्मा वाला कॉन्सेंट्रेशन ले लो, पूरा ब्लड प्लाज्मा की तरह बना दो इस फ्लूइड को, डायलाइजिंग फ्लूइड को। इसमें थोड़ा सा भी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होना चाहिए, इतना सा भी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं डालना चाहिए। तो डायलाइजिंग फ्लूइड में यहाँ पे लिख दूँ, नो नाइट्रोजनस वेस्ट शुड बी देयर। कोई नाइट्रोजनस, वैसे मैंने बहुत गंदा लिख दिया लेकिन तुम समझ रहे हो ना, नो नाइट्रोजनस वेस्ट, कोई नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब होगा क्या मैं तुम्हें बता देती हूँ, सेलोफेन ट्यूब यहां से ऐसे घूमेगी, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, इसमें तुम्हारा ब्लड घूमेगा। कहाँ है मेरा ब्लड? ये रहा, इसमें तुम्हारा ब्लड घूमेगा। अब सेलोफेन ट्यूब परमिएबल है कुछ कुछ सब्सटेंसेस के लिए, सेलोफेन ट्यूब इज अ परमिएबल ट्यूब। सो इस ब्लड में बहुत ज्यादा क्या भरा हुआ है? यूरिया भरा हुआ है, ये रहा यूरिया। इस ब्लड में बहुत ज्यादा यूरिया भरा हुआ है। नाउ दिस सेलोफेन ट्यूब इज परमिएबल टू यूरिया, यूरिया विल मूव आउट अलोंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यूरिया अंदर भरा पड़ा है, इस फ्लूइड में कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, मतलब यूरिया नहीं है। लाओ इसको थोड़ा साफ लिख देती हूँ नाइट्रोजनस वेस्ट वाली बात को। दोबारा लिख देती हूँ, नो यूरिया शुड बी देयर। अब इसमें बिल्कुल यूरिया नहीं है, इस फ्लूइड में, ब्लड में इतना सारा यूरिया है, तो सारा यूरिया अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बह बह के बाहर चला जाएगा और ब्लड साफ हो जाएगा। अब देखो ये प्लाज्मा हेल्दी, ये जो फ्लूइड है डायलाइजिंग फ्लूइड है, ये हेल्दी प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन का है। मान लो यहां पे एच पॉजिटिव ज्यादा है, मान लो यहां पे एच पॉजिटिव ज्यादा है, तो एच पॉजिटिव भी अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बाहर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो नॉर्मल एच पॉजिटिव है, नॉर्मल जो ब्लड प्लाज्मा का एच पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर एच पॉजिटिव ज्यादा है वो भी बाहर निकल जाएगा, मान लो के पॉजिटिव ज्यादा है वो भी बाहर निकल जाएगा। सो कोई भी गंदी चीज जो ब्लड में एक्यूमुलेट हो रखी है ना, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो एच पॉजिटिव हो, चाहे वो के पॉजिटिव हो, ठीक है, हाइड्रोजन आयन हो, पोटेशियम आयन हो, यूरिया हो, वो सब का सब डायलाइजिंग फ्लूइड में निकल जाएगा। अब थोड़ी देर बाद डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया भर जाएगा तो फिर और ब्लड आएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, यहाँ पे ऑलरेडी यूरिया है। तो डायलाइजिंग फ्लूइड हम थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज करते रहते हैं। एक बार डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया आ गया, फ्लूइड को निकाल दो, नया फ्लूइड डाल दो, फिर और यूरिया आएगा और निकल जाएगा, फिर डायलाइजिंग फ्लूइड को फिर से चेंज कर दो। अल्टीमेटली तुम्हारा सारा ब्लड यूरिया से क्लीन हो जाएगा और इसको वापस डाल दो बॉडी में। सिंपल, वेरी सिंपल दिस प्रोसेस। इसमें कुछ कुछ बातें तुम्हें याद रखनी है, इसको क्लिक करो फिर आगे बताती हूं। अभी भी साउंड आ रहा है क्या? अभी भी खर खर साउंड आ रहा है? अरे बताओ बेटा, साउंड प्रॉब्लम आ रहा है क्या? अभी अभी अब तो मैंने बाल भी बांध लिए, अब मुझे पता नहीं साउंड प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। इज़ इट स्टिल देयर? प्लीज़ टेल मी, फिर आगे चलते हैं, ख़त्म करते हैं आज की क्लास। ओके, इप्सिता के कुछ क्वेश्चन हैं। वो कह रही है कि ब्लड किसी भी आर्टरी या एओर्टा में से लिया जा सकता है। एक्चुअली इप्सिता, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आर्टरी से लेना है,
लेकिन एक्चुअली में हम आर्टरी से भी नहीं लेते हैं. देयर आर वेज टू टेक ब्लड आउट. तो हम नॉर्मल आर्टरी से ब्लड नहीं लेते हैं. किस आर्टरी से लेते हैं, कैसे लेते हैं, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. ठीक है. दूसरा पार्ट, आप डायलिसिस करते हुए ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी का और कोई मैकेनिज्म रुकेगा. जो काम आपकी किडनी कर रही है अब वो काम ये मशीन कर रही है. आप बैठ सकते हो, गाने सुन सकते हो, आप बुक पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन आप वहाँ से हिल नहीं सकते क्योंकि आप मशीन से अटैच्ड हो. सो आपके बाकी फंक्शंस वैसे ही चलते रहेंगे, सिर्फ आपको वहाँ डायलाइजिंग मशीन से चिपक के बैठना पड़ेगा. अंडरस्टूड? अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं. यू हैव टू रिमेंबर सम पॉइंट्स. ये नोट कर लिया, आगे चलूं? आओ, कुछ कुछ लास्ट पॉइंट्स याद रखते हैं. पहली बात, मदन लाल दोबारा बना लो. अब मदन लाल खुश है क्योंकि उसका डायलिसिस हो रहा है. ही इज वेरी हैप्पी नाउ. जब तुम मदन लाल की बॉडी से ब्लड लोगे सेलोफेन ट्यूब में, ब्लड ले लिया, तो ब्लड में देखो, मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि ब्लड जब हमारी नॉर्मल आर्टरी और वेन से बाहर निकलता है तो उसके कोएगुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. ब्लड को तुम नॉर्मली में बाहर ऐसे नहीं रख सकते, पतीले में ब्लड रख दिया, ठीक है. ब्लड के जमने के कोएगुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्लॉट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो ब्लड जब भी तुम स्टोर भी करते हो, जैसे तुम कभी तुमने ब्लड दिया है, हैव यू एवर डोनेटेड ब्लड, तो तुम्हारे पाउचेज में जिसमें ब्लड रखते हैं ना, तो वो उसमें थोड़ा सा एक एंटीकोएगुलेंट डालते हैं, मेरे ख्याल से कैल्शियम ऑक्सलेट डालते हैं, कुछ एंटीकोएगुलेंट डालते हैं ताकि ब्लड कोएगुलेट ना हो जाए उस पाउच में. सिमिलरली तुम्हारा ब्लड यहाँ पे कोएगुलेट हो सकता है, तो तुम्हें एक एंटीकोएगुलेंट डालना पड़ेगा. जब ब्लड यहाँ से जा रहा होगा, एड एन एंटीकोएगुलेंट, एड सम हेपरिन. हेपरिन हमारी ही बॉडी का एंटीकोएगुलेंट है, थोड़ा सा और डाल दो ब्लड में. देन ब्लड का टेम्परेचर अभी क्या है, 37 डिग्री है. तुम्हारी बॉडी में से निकला है, 37 डिग्री है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री पे लेके आओ, 0 डिग्री पे लेके आओ, फिर डायलाइजिंग फ्लूइड में लेके जाओ, ठीक है. फिर जब वापस लाना है, ये तो आने की बात थी, मान लो जब वापस लाना है सेलोफेन ट्यूब से वापस लाना है, पहले हेपरिन डाला, अब उसको हेपरिन चलो यहाँ पे काम आ गया, अब उसको न्यूट्रलाइज भी तो करना है जब बॉडी में वापस जाओगे, तो यहाँ पे एंटी हेपरिन डालो. एंटी हेपरिन डालो और ब्लड को नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आओ. पता चले 0 डिग्री का ब्लड डाल दिया, बंदा जम गया, फ्रीज हो गया, मदन लाल मर गया फ्रीज होके, ऐसे मत करना. तो जो 0 डिग्री पे किया है उसको दोबारा से 37 डिग्री पे हीट करो. ये नहीं पतीले में गर्म कर दिया. देर आर वेज एंड मीन्स टू वार्म अप दैट ब्लड. 37 डिग्री में वापस करो और फिर मदन लाल की बॉडी में डाल दो. इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये वाली बात समझ में आई है? क्वेश्चंस बता दूं फिर क्लास खत्म करते हैं. क्लिक कर लिया. एक क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट प्रेजेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड. डायलाइजिंग फ्लूइड में कौन सा सब्सटेंस नहीं मिलता? आंसर उसका यूरिया भी हो सकता है, यूरिक एसिड भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट आपको डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं मिलेगा. एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं तुमसे. दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं कि ब्लड बाहर निकालते हुए कौन सा केमिकल ऐड करोगे. हेपरिन आंसर है, ठीक है. डायलिसिस का फायदा क्या है, किडनी जब खराब हो जाती है, किडनी फेलियर में डायलिसिस आपकी जान बचाता है. इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. अगली बार चैप्टर को एंड करते हैं. क्या रह गया, क्या रह गया इस चैप्टर में? इस चैप्टर में एक वो रह गया, लंग्स से कैसे एक्सक्रीशन होती है, स्वेट से कैसे एक्सक्रीशन होती है, सलाइवा से कैसे एक्सक्रीशन होती है. सो किडनी के अलावा और कहाँ कहाँ एक्सक्रीशन होती है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है. और थोड़े से डिसऑर्डर्स हैं किडनी के, तो एक क्लास लगाते ही तुम्हारा चैप्टर खत्म. फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के. वैसे तो तुम्हें मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए, पर फिर और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है. चलो बेटा, आज की क्लास खत्म करते हैं. ये चैनल स्प्रेड करो बेटा. ये बहुत ही मतलब इट इज़ वेरी सेल्फलेस.
सारा सिलेबस यहाँ पे अपलोड करना, ये इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय अन अकेडमी. ओके, सो प्लीज़ स्प्रेड इट, बिकॉज तुम्हारी वजह से किसी की हेल्प होगी तो कभी भगवान तुम्हारी भी हेल्प करेगा. इट इज़, तुम्हें पता है ना, दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर. द मोर यू हेल्प पीपल, द मोर हेल्प यू गेट. नॉट नेसेसरली फ्रॉम द सेम पीपल. ज़रूरी नहीं कि तुम ए की हेल्प करो तो ए ही तुम्हें वापस हेल्प करे. तुम ए की हेल्प करोगे, पता नहीं सी डी ई एफ जी एच कभी तुम्हें आके हेल्प करेगा. सो स्प्रेड गुड थिंग्स. हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ इसको स्प्रेड करने की, बट आई नीड योर हेल्प. ओके, सो ऑल ऑफ यू, इफ़ यू थिंक दीज वीडियोज़ आर वर्थ वॉचिंग, अगर तुम्हें लगता है कि ये देखने लायक हैं वीडियोज़, तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करो, अपने फेसबुक पे शेयर करो, ताकि तुम्हारे फ्रेंड्स को भी मिले. ये नहीं सोच रहा मैं तो क्लास में फर्स्ट आऊँगा, फ्रेंड्स गए भाड़ में. ऐसे सेल्फिश काम नहीं करते बेटा. तुम अगर डिजर्व करते हो तो वैसे भी फर्स्ट आ जाओगे. ठीक है, प्लीज़ स्प्रेड दीज वीडियोज़, लाइक दीज वीडियोज़, कॉमेंट, ताकि मुझे पता चले कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है. और प्लस कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैंने तुम्हें बताया था, तुम प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ पूरा कोर्स करने के लिए. प्लस वैसे ही वी हैव वेरी गुड केमिस्ट्री टीचर्स एंड वेरी गुड फिजिक्स टीचर्स ओवर देयर. सो बेस्ट टीचर्स के टीम से तुम पढ़ सकते हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो. 2020 से पहले हम तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे. अलग से वहाँ पे ड्रॉपर्स बैचेस बनेंगे, प्लस वन के बैचेस बनेंगे, प्लस टू के बैचेस बनेंगे. सिंपली यू हैव टू टेक प्लस सब्सक्रिप्शन. प्लस की सब्सक्रिप्शन कैसे लेनी है, अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करो, फिर वहाँ से प्लस के सेक्शन पे जाओ, नीट के सेक्शन पे जाओ. कौन सा कोड यूज करोगे? रितु लाइव. ये कोड यूज करो, 22,000 रुपया भरो. मुझे लगता है, मुझे पता है 22,000 रुपया एकदम से लगता है यार बहुत ज्यादा है, बट एक्चुअली में तुम देखो कि तुम किस चीज के लिए कॉस्ट पे कर रहे हो, तो कुछ भी नहीं है. अगर तुम मुझसे ऑफलाइन में कोचिंग लेने आओगे तो मैं 22,000 रुपये में तुम्हें एक क्लास की बायोलॉजी भी नहीं पढ़ाऊंगी. ठीक है, और यहाँ पे अनअकैडमी ऑनलाइन में आपको प्लस वन और प्लस टू दोनों की बायोलॉजी, प्लस वन और प्लस टू दोनों की फिजिक्स, प्लस वन और प्लस टू दोनों की केमिस्ट्री, प्लस टेस्ट सीरीज दे रही है. ओके, आई विल सी यू, थैंक यू. चैप्टर खत्म करते हैं अगली बार.